And this makeup look, if I'll talk about, then definitely I have just created it under ₹300. Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another exciting video. In today's video, I will talk about the cheapest makeup product which I bought from Nykaa. तो आज मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ बाय यूजिंग दिस ऑल प्रोडक्ट्स एंड सारे प्रोडक्ट्स के मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. वीडियो को स्किप ना करते हुए आप एंड तक जरूर देखिए, आप लोगों को हर एक चीज पता चले कौन से प्रोडक्ट कितने रुपीज में मैंने लिया है एंड इसके साथ जो मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ हर एक प्रोडक्ट किस तरह से मेरे स्किन पे काम कर रहा है. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने अपना स्किन को ऑलरेडी अच्छे से प्रेप कर लिया है. I have applied moisturizer, I just cleaned my face and a little lip balm. Now I will quickly jump into the makeup. So makeup में आप लोगों को पता है सबसे पहले हम यूज करते हैं प्राइमर. सो प्राइमर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए गाइस. विदाउट प्राइमर आप कभी भी नहीं सोचना फाउंडेशन अप्लाई करने का. तो यहाँ पे जो मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज. अगर मैं इस प्राइमर का बात करूं, प्राइमर बहुत अच्छे से ही ब्लर हो रहा है. मतलब आई कैन फील इट कि मेरे स्किन पे एक ब्लरी फीलिंग आई कैन गेट दैट. बट एक चीज़ मुझे फील हो रहा है, थोड़ा सा ये वाटरी है कंपेयर टू नॉर्मल प्राइमर में हम जो यूज़ करते हैं उसमें हमें पूरी तरह से सिलिकॉन बेस्ड एक जो फीलिंग मिलती है वो चीज़ इस प्राइमर में नहीं है. बट एट द सेम टाइम इट ब्लर्स. इफ यू हैव रियली बिग ओपन पोर्स देन आई डोंट थिंक सो कि ये प्राइमर आपके लिए सही रहेगा. बट इफ यू हैव अ वेरी मिनिमल लाइक बहुत ही कम ओपन पोर्स है स्पेशली इन दिस एरिया देन दिस प्राइमर इज क्वाइट गुड. यू कैन यूज इट ऑन अ डेली बेसिस. नेक्स्ट आई एम यूजिंग इनसाइड कॉस्मेटिक फाउंडेशन इन द सेट 03. दिस सेट विल मैच माई स्किन बट लेट्स ट्राई इट आउट. आई रियली डोंट नो कि ये मेरे स्किन को अच्छे से मैच करेगा या नहीं करेगा. बट या आई परचेस बिकॉज मैं बहुत बारी ऑनलाइन में फाउंडेशन वगैरह मैं परचेस करती रहती हूँ तो आई हैव गॉट दैट आइडिया कि मेरे स्किन पे कौन सा फाउंडेशन ऑलमोस्ट मेरे स्किन को जा सकता है. वो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका है. आप लोग देख सकते हो फाउंडेशन मैंने जस्ट अप्लाई किया है. इफ आई टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन, फाउंडेशन इज ब्लेंडिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन कवरेज, आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द कवरेज. आई थिंक आई नीड वन मोर लाइक यू नो ड्रॉप्स एट माई फेस बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद द कवरेज. लिटिल मोर कवरेज आई रिक्वायर. आई नीड सेकेंड लेयर ऑन माई फेस. लोग देख सकते हो मैंने सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर लिया. नाउ आई थिंक ऑन ए डेली बेसिस इतना कवरेज काफी है. इतना कवरेज में आई थिंक आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओगे. नाउ आई विल ट्राई दिस कंसीलर विच इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. आई हर्ड अबाउट दिस कंसीलर बहुत ही ज्यादा मैंने सुना. बहुत लोग बहुत ही कॉन्टेंट क्रिएटर इस कंसीलर को यूज कर रहे हैं एंड आई हैव सीन द कवरेज इज ऑल्सो प्रीटी मच गुड. सो आई थॉट वाई नॉट टू ट्राई दिस आउट. थैंक गॉड आई परचेज द करेक्ट शेड ऑफ दिस कंसीलर. सेट मैच करना गाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऑनलाइन पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट कौन सा शेड हमारे स्किन के लिए परफेक्ट मैच करेगा. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस कंसीलर विद दिस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड कवरेज फ्रॉम दिस कंसीलर. कंसीलर इज वेरी गुड. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कंसीलर. आई एम जस्ट लविंग इट. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी कॉस्मेटिक. नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस मार्स कॉस्मेटिक ट्रांसलूसेंट पाउडर. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपीज. दिस वन प्रोडक्ट इज रियली वेरी गुड एंड वेरी सेटिस्फाइंग. यू कैन ट्राई इट आउट.
Next, again I'm using this Mars Cosmetic eyeshadow palette. You can see the pigmentation. Pigmentation is very good and blending is just perfect. I just loved it. जब भी आप लोग कुछ ऐसा खरीद लेते हो ना गाइज, जो आपको मतलब बहुत ही कम प्राइस में या कम बजट में, मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंग जब भी आपको अच्छे प्रोडक्ट्स कुछ मिल जाते हैं, देन रियली मतलब वो बहुत अच्छा फील कराता है. वो स्पेशली जब आप वो खुद से ले रहे हो एंड यू आर रियली स्केयर्ड कि वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा. दैट्स वाई वी रियली क्रिएट दिस हॉल वीडियोज फॉर यू गाइज, सो दैट आप कभी भी ऑनलाइन कुछ भी परचेस करो, देन यू गेट रियली हेल्प कि आपको कौन सा शेड पिक करना चाहिए, कौन सा आई शेडोज लेना चाहिए, कौन सा पाउडर लेना चाहिए. तो इससे क्या होता है, आपको एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यू कैन परचेस. I'm using this Blue Heaven का liner. ये liner भी आपको almost around 90 rupees पे मिल सकता है. If I'll get the link, I'll give in the description box below. Next, I'm using this mascara which is from Iconic. To fill my brows, मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे बेनिफिट कॉस्मेटिक का एक ब्राउ फिलर. मैंने कुछ भी मतलब अलग से मैंने कोई भी ब्रॉन्जर या फिर ब्लश मैंने परचेस नहीं किया है. राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट कि आप कैसे बहुत ही कम बजट में आप एक फुल मेकअप कर सकते हो. एंड उसके लिए अभी जो मैं ब्रॉन्जर यूज करने वाली हूँ वो इस पैलेट से सबसे लाइट ब्राउन कलर है. इस साइड में कहीं पे आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ही लाइट ब्राउन कलर. बाय यूजिंग दिस आई विल जस्ट कॉन्ट्रोल माय चीक्स, माय नोज. फॉर ब्लश आई विल यूज दिस कलर ओनली. हेयर आपको दिख रहा होगा नीचे में, इसी कलर को मैं पिक करूंगी. बट इसको ना बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं लेना है. आफ्टर टेकिंग लाइक दिस यू कैन जस्ट डस्ट इट ऑफ, सो दैट कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी आपका रहेगा ब्रश पे वो इंस्टेंटली निकल जाएगा. एक्चुअली मुझे कोई भी हाईलाइटर, अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मैंने बहुत सर्च किया बट गुड हाईलाइटर इज देयर, बट राइट नाउ आई हैव नॉट परचेस्ड येट. नेक्स्ट टाइम इफ आई परचेस डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइस. पैक का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ. Now I am almost done with my makeup, so at last I will use this makeup fixer. Next, मैं यहाँ पे Inside Cosmetics का lipstick use कर रही हूँ. It will cost you around 90 rupees and it's really very good. So guys, तो आप लोग देख सकते हो ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट कर लिया. एंड दिस मेकअप लुक इफ आई टॉक अबाउट देन डेफिनेटली आई हैव जस्ट क्रिएटेड इट अंडर रुपीज 300. मतलब जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज करा है सारा प्रोडक्ट ही 300 के नीचे है. प्रोडक्ट का लिंक मुझे मिला तो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. अगर मुझे लिंक नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं नायका से परचेस की हूँ. मैंने सारा प्रोडक्ट मेंशन कर देना है, एवरी प्रोडक्ट का कौन सा सेट में यूज वो भी मुझे मेंशन कर देना है. आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो. आई नो दैट मेरे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मे बी हॉर्न साउंड एंड दिस एंड दैट. तो बेसिकली मेरा घर एकदम ही रोड साइड में है एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए जितना बेटर वीडियोज बना सकूँ, आप लोगों को किसी भी तरह ऑडियो प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कुछ भी ना हो. बट ट्रस्ट मी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट किसी भी तरह से ये थोड़ा मोड़ा
साउंड इधर उधर से आ ही जाता है। एनीवेज तो आज का वीडियो यहीं तक था एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड आप लोग मुझे बता सकते हो आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गाइज दिस इज अबाउट इट एंड आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।